नमस्कार, देखने वेब दुनिया, मैं हूं आशीष, और मेरे साथ हैं अनूप, जिनकी हाल ही में एक ऐसे थ्रिलर लेकर लोगों के सामने आए हैं जिसे लोगों ने पसंद भी किया है, और उनके रोल को देखकर थोड़ा सा चौंके भी हैं। चौंके क्यों है अनूप जी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले तो ये बताइए लोगों को, लोगों को ये जो वेब पर आपका अवतार है बड़ा पसंद आया है, क्या क्या रिएक्शंस मिले अभी तक आपको? अच्छे ही मिले हैं। और ये जो चेंज है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि अचानक हुआ है। मैंने डिलिबरेटली फोकस थोड़ा अपना शिफ्ट किया था, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि मैं प्राइमरली एक एक्टर हूं और मैं अपने एक्टिंग के ही काम को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहता हूं। बट कुछ और कमिटमेंट्स की वजह से वो थोड़ा मिस हो रहा था, लेकिन आई थिंक दिस वाज द करेक्ट टाइम। इन लास्ट 1-1.5 सालों में जो मुझे कुछ अच्छे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट किया, लोगों को भी पता चला कि अरे अनूप, हाँ यार, ये तो क्राइम पेट्रोल की एंकर कर रहा था, काफी है, अब अवेलेबल है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि शायद मैं क्राइम पेट्रोल होस्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास वक्त नहीं होगा, मैं बिजी होऊंगा। ऐसा नहीं था, तब भी वक्त था, लेकिन कोइंसिडेंटली कुछ ऐसा हुआ कि मैं क्राइम पेट्रोल से थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने, और अभी भी ब्रेक लिया हुआ है, और अब फोकस ज्यादातर फिल्मों और वेब सीरीज पे ही है ज्यादा। सर्टनली, आप एक एक्टर को तो हर तरीके से ग्रो होने का मौका मिलना ही चाहिए। मैं चौंकने वाली बात इसलिए कह रही थी क्योंकि जब मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के देख रहे थे फिल्म, उस समय ऐसा लगा था अरे यार, अनूप सोनी जी तो हमेशा क्राइम के खिलाफ लड़ते हैं, हमेशा बोलते हैं सतर्क रहिए, और इस बार वो खुद क्राइम का हिस्सा बन गए, कैसे फंस गए। तो इस तरीके से कोई विरोधाभासी कमेंट मिला या नहीं मिला आपको अभी तक? हाँ, मतलब ऐसे कुछ अच्छे हेल्दी मजाकिया कमेंट भी मिले हैं, बट आई थिंक दैट वाज द पर्पस। इनफैक्ट ये रोल करने का मकसद ही यही था कि थोड़ा सा ऑडियंस को भी लगे, एक सर्टन जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे अगर ऑपोजिट कुछ होता है तो ऑडियंस को भी एक्साइटमेंट होता है, मजा आता है, और एज एन एक्टर भी आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इसी फिल्म के अंदर अगर मैं कॉप का रोल कर रहा होता तो शायद ऑडियंस इतनी एक्साइटेड नहीं होती। जो रोल राहुल देव ने किया, वो अगर रोल मैं करता तो शायद लोगों को लगता, हाँ ठीक है, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड था। मैं सच कहूं, मैं एक्चुअली आपको उस रोल में भी देखना चाहती थी। आई थिंक उस रोल में मैंने अपने आप को बहुत देख लिया है और ऑडियंस ने भी। रियली नाइस टू सी यू डूइंग समथिंग एल्स। एट द सेम टाइम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब वेब सीरीज आई थी 1962, उसमें भी आपका एक मिलिट्री पर्सन का रोल था, तो किस तरह से ब्रीफिंग दी जाती है? क्योंकि मिलिट्री का रोल निभाना, अब लोगों के सामने थोड़ा ओपन हुआ है मिलिट्री के रोल के बारे में, या वो कैसे एक्चुअल में होते हैं, कोई होमवर्क करना पड़ा था आपको? सी, मुझे लगता है कि दो तरह की चीजें होती हैं। जब आप एक कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसका एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे अभी अगर आप एक आर्मी ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, तो आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि बॉडी लैंग्वेज होती है एक आर्मी ऑफिसर की, एक पर्सनैलिटी होती है, एक एक फिट फिजिक है। क्योंकि हमारा आर्मी के लोगों के साथ जो हमारा एक एक विजन है, एक पिक्चर है हमारे दिमाग में, वो ये है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करते हैं और इनका रूटीन बहुत हेक्टिक होता है। दे आर फिजिकली वेरी एजाइल एंड वेरी फिट, एंड दैट्स व्हाट देयर जॉब इज, एंड दे टेक देयर जॉब वेरी सीरियसली, सो दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन। मतलब आर्मी के साथ डिसिप्लिन शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि एक तो होता है उस प्रोफेशन की तैयारी, एक कैरेक्टर की तैयारी कि हाँ आप जो हैं फिजिकली फिट रहें, दूसरी है उस किरदार के इमोशन की तैयारी। कि जैसे मेरा जो किरदार जो 62 में था, वो ऐसा था कि वो जेलस कैरेक्टर नहीं है अभय देओल के कैरेक्टर से। अभय देओल और वो दोनों सेम रैंक के हैं, सेम कैडर के हैं, सेम पोजिशन पे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि यार इस वॉर को लीड करने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन उसे मिल जाता है। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन की तरह से था। सो दो तरह की तैयारियां हो जाती हैं। एक अगर आप कोई ऐसा रोल कर रहे हैं जब आप किसी प्रोफेशन, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक डॉक्टर का रोल करेंगे तो या फिर एक पुलिस वाले का रोल करेंगे, या फिर एक आप पर्टिकुलर आईटी कॉर्पोरेट के व्यक्ति का, तो एक बॉडी लैंग्वेज होती है हर प्रोफेशन की। सो आई थिंक वो दो तरह से तैयारी होती है, एक किरदार के इमोशन की और एक किरदार के फिजिकलिटी की। सर्टनली, लोगों ने आई थिंक जितने भी आपको जिस भी अलग अलग तरीके के रोल में देखा है, पसंद बहुत किया है। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने आपको पहली बार एक रजिस्टर जब किया था तो मानसी जोशी और आपका जो साया था, इनफैक्ट आपसे बात करने के पहले मैं मेरा जो होमवर्क कर रही थी, मैं अचानक से उस एरा में चली गई थी। तो
वहां से लेकर यहाँ तक की जर्नी, सचिन बहुत सारे हाई पॉइंट्स आपने देखे होंगे, कोई अंतर नजर आता है एज एन एक्टर जब आपको वो एरा देखना होता है और ये एरा देखना होता है? सी, मुझे लगता है कि एरा जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कहानियों से, कि किस दौर में किस तरह की कहानियां सुनाई गई उससे हम एरा कहते हैं। जैसे 50s से जो सिनेमा होता था उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है सिनेमा का। सो 90s में कहा जाता है कि बहुत ही कमर्शियल, हार्डकोर, लार्जर देन लाइफ स्टोरीज होती थी। अभी अगर आप पिछले 5 से 7 सालों में जो सिनेमा बन रहा है या जो वेब सीरीज बन रही हैं उनको आप देखेंगे कि जो आम जिंदगी के करीब वाला कंटेंट है, तो मुझे लगता है जो एरा है वो आपकी कहानियां, आपका कंटेंट वो डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है अभी जो एरा चल रहा है खासकर फिल्मों में और वेब सीरीज में, वो रियलिज्म का एरा है, जहां कोशिश ये है कि जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां, ऐसी कहानियां जिनसे लोग रिलेट कर पाए, जो उनको ऐसा ना लगे अरे ये क्या चीज है, ऐसे थोड़ी होता है। वो सिनेमा एक वैसे भी मेक बिलीव वर्ल्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दौर जो है ये रियलिज्म वाला दौर है अभी इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा, आप ना एक बहुत प्यारे ससुर जी भी कहलाते हैं, आनंदी के ससुर जी कहलाते हैं। वो रोल बहुत टाइम तक आपका पर्यायवाची दर्शकों ने माना। एज एन एक्टर पॉसिबली यू मूव्ड एंड प्लेड अदर रोल्स एज वेल, बट वो बहुत लव्ड कैरेक्टर था आपके लिए कि हाँ अनूप जी जैसा ससुर जी होना चाहिए। कभी कोई किसी ससुर ने आके आपको कहा भाई क्या कर रहे हो यार, मेरी गुस्से को ससुर आपने? ने तो नहीं कहा, लेकिन बहुत सारी यंग लड़कियां जो थी, मतलब यू नो टीनेजर्स एंड 21 22 का एज ग्रुप जो था लड़कियों का, स्पेशली ऐसे शहरों यू नो जिसको हम बी सेंटर कहते हैं, जो बहुत ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं, जहाँ का एक कल्चर है कि एक परिवार में अगर लड़की पढ़ लिख गई है, थोड़ा बहुत एक ग्रेजुएशन कर लिया है उसने, और फिर अगर अच्छा वर मिल जाए तो शादी कर दी जाए, ऐसे जो परिवार हैं उन परिवारों के काफी लड़कियों मुझे मिलती थी। जब भी कभी किसी पब्लिक फंक्शन में या कहीं पब्लिक प्लेस पर, तो ये जरूर कहती थी कि हमने तो अपने फादर को बोल दिया, अपनी मदर को भी बोल दिया कि हमारे लिए लड़का ढूंढो, तो उसका उसके फादर को भी चेक कर लेना, अगर उनका फादर जो है वो लड़के का फादर भैरव सिंह जैसा है तो। और या ऐसा होता था, बहुत अच्छा अच्छा भी लगता था सुनना, क्योंकि मुझे लगता है एक एक्टर के लिए, जब मैं ये सुनता हूँ कि अरे अनूप जी आप क्राइम पेट्रोल को होस्ट करते हैं, इट्स लाइक व्हेन यू टेक क्राइम पेट्रोल्स नेम आपका चेहरा सामने आ जाता है, या कोई कहता है कि बालिका वधू में, तो ये आई थिंक एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप जो भी रोल करते हैं लोग आपको उस रोल से जुड़ा हुआ पाते हैं। सो मैं तो इसको एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट के तरीके से लेता हूं, और मेरी कोशिश, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है कि मैं जब फ्यूचर में और कोई भी काम करूं, कोई भी रोल करूं, तो इसी ही तरह की ईमानदारी और इसी तरह के फोकस और डिसिप्लिन के साथ वो रोल करूं कि वो भी लोगों को पसंद आए। I'm sure. In fact, आपने कई मैं जब पढ़ रही थी तो आप एनएसडी के पास आउट हैं। एक एक्टर को हर तरीके का रोल आना चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिव भी हो। मैं मुझे ना करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, मुझे आपको एक कॉमिक रोल में देखना है, तो ऐसा कुछ आप एक हुआ काम है? कीजिए, जी आप YouTube पे जाइए और YouTube पे टाइप कीजिए अनूप सोनी इन कॉमेडी सर्कस, आपको काफी कॉमेडी देखने को आई टेक माई वर्ड्स या बैक। या एंड एक और प्रोजेक्ट जो थोड़े से लेसर नोन चैनल पे था, लेकिन वो भी आप टाइप कीजिए, अनूप सोनी इन जी सर जी, तो आई टेक आपको माई बहुत वर्ड्स सारे बैक। उसके भी बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ी सी बहुत कॉमेडी भी कर लूं। मुझे मालूम है कि बहुत अच्छे बेहतरीन, और लकीली मैंने जिन लोगों के साथ कॉमेडी की, उन ये जो शोज हैं जी सर जी और कॉमेडी सर्कस, वो सारे बहुत ही मंझे हुए कॉमिक एक्टर्स थे, उनकी टाइमिंग तो इनफैक्ट मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। आई मैं तो शर्मसार हो गई, मैं अभी पढ़ते पढ़ते आई भी थी, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था आपसे। क्लीन बोल्ड कर दिया आपने। लेकिन कोई तो ऐसा रोल होगा जो आपको करने की इच्छा होगी कि ये निभाना है मुझको? नहीं जरूर, बट ऐसा मेरे दिमाग में ना कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है कि ऐसा रोल। हाँ ये जरूर है कि मैं, मुझे अभी लगता है कि जो मेरा एक और प्लस पॉइंट है एज एन एक्टर, जो मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो बहुत ही ज्यादा हाईली इमोशनल रोल्स होते हैं ना, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट, ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई एक वेब सीरीज
जहां मुझे वो एक एज एन एक्टर मुझे उन कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खेलने का मौका मिले, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो बहुत मजा आएगा. तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को भी पसंद आएगा वो. श्योर, आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. कुछ आने वाले हैं, कुछ चल रहा है अभी? अभी तो खैर नहीं कर पा रहे जैसे हैं. अभी आपने कहा कि एक्टर को हर तरह के रोल करने चाहिए, मेरी एक नेक्स्ट फिल्म रिलीज है, अब वो थिएटर रिलीज है, लेकिन हालात को देखते हुए अभी ये नहीं पता. उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है 13 मई, लेकिन आज ऑलरेडी 19 अप्रैल है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या होने वाला है उसका. सत्यमेव जयते 2 एक फिल्म है जिसमें जॉन अब्राहम लीड कैरेक्टर में है और मिलाप जावेरी जो डायरेक्टर हैं, निखिल आडवाणी प्रोड्यूसर हैं उसके, उसमें मेरा एक आउट एंड आउट नेगेटिव रोल है. मतलब ऐसा रोल जैसे कुछ नेगेटिव रोल हैं जो जिनसे आपको सिंपैथी होती है कि भाई किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से वो बुरे बन गए, लेकिन ये एक ऐसा रोल है कि वो बुरे आदमी है, वो आदमी बुरा है, वो सेल्फिश है, करप्ट है, तो वो एक ऐसा रोल है वो शायद लोगों को थोड़ा डिफरेंट लगे. तो वो वो फिल्म अगर झटका रिलीज देने होती वाला है रोल लगता है, झटका जी. लगेगा. चलिए, शुक्रिया इतनी सारी बातचीत करने के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू. वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात. 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम. हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब. जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग. वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें. यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए. वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा. टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए. फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए. आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे. सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम. जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक. दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स. शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाए. साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए. ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा?